अगर उन चीजों को आप अवॉइड करोगे तो नेक्स्ट रिजल्ट आपका मैं शेयर करूंगा इसी चैनल पे बैठ के, आपका रिजल्ट मेरे हाथ में होगा आइल्स का। जब कोई स्टूडेंट आइल्स एग्जाम में एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है, क्या आप जानते हो? आपसे भी ज्यादा खुशी उस टीचर को होती है जिसने आपको गाइड किया है, जिसने आपको पढ़ाया है। तो सिमिलरली आज मेरे दो स्टूडेंट ने मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया क्योंकि उनका रिजल्ट मेरे हाथ में है आज, और ये रिजल्ट उन्होंने बोला है कि सर आप अपने चैनल पे लेके आओ सो दैट कि आप और बच्चों को भी मोटिवेट कर सको। मैं लेट चल रहा था, मैं आपको व्हाट्सएप का इनका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूं जिसमें ये बोल रहे थे कि सर हमारी वीडियोस बनाओ, हमारी वीडियो बनाओ, बच्चों को बताओ, तो मैं लेट चल रहा था। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। इन बच्चों ने कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की, ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या किया जो आप नहीं करते, आइल्स जर्नी 46 यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, और जो भी मैं कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूं सिर्फ इन्होंने वो वीडियो को फॉलो किया, टिप्स को फॉलो किया, और आज इनका रिजल्ट मेरे हाथ में है जो मैं अभी आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपना आइल्स एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लो और बहुत अच्छे बैंड स्कोर के साथ क्लियर करो, तो आपको इस चैनल को फॉलो करना ही पड़ेगा और वीडियोस देखनी पड़ेंगी और इधर उधर की बातों से बच के रहना पड़ेगा। सो चलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और मैं आपको बताऊंगा कि और कैसे इन बच्चों ने आइल्स एग्जाम में एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव किया। सो पहला रिजल्ट हमारे पास ये है, स्टूडेंट का नेम है अमनजीत सिंह, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक रिजल्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि लिसनिंग में 8.5 और 9 बैंड अचीव करना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आप देख सकते हो लिसनिंग में 8.5 है स्टूडेंट का स्कोर, मतलब कि इस स्टूडेंट ने 40 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 35 करेक्ट करे होंगे जिसकी वजह से इसका स्कोर 8.5। आप देख सकते हो कि ओवरऑल बैंड स्कोर कैसे इंप्रूव हुआ सिर्फ लिसनिंग की वजह से, ओवरऑल 7 बैंड स्कोर है इनका। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि लिसनिंग बहुत टफ है, आप इस चैनल पे जाके लिसनिंग की वीडियोस देख लो और जो मैंने रिवर्स मेथड बताया ना उसको फॉलो करो, आपका भी ये बैंड स्कोर आ सकता है, ठीक है। रीडिंग 7 बैंड स्कोर, बहुत बच्चे ये चीज कहते हैं कि रीडिंग में स्कोर नहीं आता हमारे 5.5 है, कभी आपने अपनी मिस्टेक्स देखने की कोशिश की नहीं। आप वीडियोस पता कैसे देखते हो, जैसे स्टार्ट हुई रीडिंग की वीडियो थंबनेल देख लिया और उसको स्किप करके देखा बस, उस चीज को आप क्या करते हो अच्छे से फॉलो नहीं करते और जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आप मिस कर जाते हो, फिर आप बोलते हो कि रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही। तो ये भी तो बच्चे हैं ना, इन्होंने भी तो सिर्फ चैनल पे वीडियो से देखी है, रीडिंग में 7 बैंड स्कोर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी स्कोर अचीव करना कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है। आपके सामने रिजल्ट है, एक और रिजल्ट दिखाऊंगा अभी। थर्ड है राइटिंग 6.5। बहुत बच्चे तो दो दो तीन तीन साल इसी चीज में लगे रहते हैं कि अगर आधा बैंड भी अचीव करना है तो हमको 6 महीने और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये रहा आपके सामने परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी मॉड्यूल में आप देख सकते हो 6.5 से कम नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर है 6.5 इन राइटिंग एंड स्पीकिंग 6.5। मैंने कोई भी वोकैबुलरी की क्लास इनको नहीं दी और ना ही मैंने आज तक इनसे जो है फोन पे बात की, इन्होंने सिर्फ अपना रिजल्ट शेयर किया, स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो, मैंने साथ में शेयर किया, आपको स्क्रीन पे देख सकते हो कि सर मेरा रिजल्ट आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप भी ये स्कोर लेना चाहते हो तो मैं फिर बता दूं स्कोर लेना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है कि जब हम इधर की भी बातें सुन लेते हैं उधर की भी बातें सुन लेते हैं और उस चीज को मिक्स करके अप्लाई करते हैं, एक साइड पे हो जाओ अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हो तो, ठीक है। ये रहा 7 बैंड स्कोर। नेक्स्ट, इन्होंने अभी टीआरएफ मेरे साथ नहीं किया और इस स्टूडेंट का मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने बोला है कि सर मेरा नाम मत बताना, क्योंकि होता है ना हमारी पंजाबी सोसाइटी में या इंडियन कल्चर में कि एक दूसरे को मालूम ना चल जाए, मेरी ताई को मालूम ना चल जाए, मेरी मौसी को मालूम ना चल जाए कि मैं टेस्ट क्लियर कर रही है, नजर लग जाती है ना, हमारे में ये मेंटेलिटी है।
चलो कोई बात नहीं, आते हैं रिजल्ट पे। लिसनिंग, और ये लेटेस्ट रिजल्ट है 27 जनवरी 2024, ठीक है। टीआरएफ अभी तक इनका नहीं आया, जब आएगा मैं आपको दोबारा से रिजल्ट जो है वो दिखा दूंगा, ठीक है। लिसनिंग देखिए 7, इसके भी 7, मतलब 40 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो इन्होंने करेक्ट करे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा बैंड स्कोर है। सेकंड रीडिंग में 6, स्पीकिंग में 6 और राइटिंग में 6.5। देखिए एक चीज की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर आप मेरे तरीके से जैसे मैं बताता हूं राइटिंग टास्क टू लिखते हो, और मेरे पास काफी ऑनलाइन बच्चे भी क्लासेस लगाते हैं, मैं ये नहीं प्रमोशन कर रहा हूं उस चीज की, आप मेरे साथ, मैं ये चीज की प्रमोशन नहीं कर रहा कि आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लो, आप वीडियोस देख के भी बैंड स्कोर ले सकते हो, और मैं हर एक वीडियो में यह चीज बताता हूं। जैसे इन बच्चों ने लिया, ओवरऑल इनका भी 6.5 बैंड स्कोर है, तो एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर है, ठीक है। तो मैं आपको चीज बताता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस कई बच्चों के ना दिमाग में यह चीज मिथ रह जाती है कि सर 2 घंटे में आप क्या पढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि जिसने पढ़ाना है ना अच्छे से पढ़ाना है, तो वो आधे घंटे में भी आपको चीज समझा देगा। बट प्रॉब्लम यहां पे आती है कि आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, आप चाहते हो कि आपको 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक क्लास मिले, और ज्यादा टाइम आप स्पेंड करो तो फिर आप आईएलटीएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा आपके दिमाग में जो है वो मिथ है, ज्यादा पढ़ने से आईएलटीएस क्लियर नहीं होगा। अगर आपको जैसे मैं फैक्ट्स बताता हूं, लॉजिक बताता हूं, अगर आप उन चीज की प्रैक्टिस करो, और जो मैं आपको बताता हूं कि अवॉइड करो इस चीज को, अगर उन चीजों को आप अवॉइड करोगे तो नेक्स्ट रिजल्ट आपका मैं शेयर करूंगा इसी चैनल पे बैठ के, आपका रिजल्ट मेरे हाथ में होगा आइल्स का। तो प्लीज उन चीजों को, अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी बातों को छोड़ो, और थोड़ा दिमाग से काम लो कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है। किस टॉपिक पे मैंने इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाई, 1 महीने का प्लान बताया, 15 डेज का प्लान बताया, और हर एक मॉड्यूल का बताया। क्या आपने इस चैनल पे जाके वो वीडियोस देखी? नहीं देखी। पूरी देखी? नहीं देखी। 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, इससे ज्यादा वीडियो नहीं है मेरी वहां पे। फिर भी आप 10-15 मिनट नहीं निकाल पा रहे अपने बिजी स्केड्यूल में, और आप चाहते हो कि मैं बैंड स्कोर ले लूं। ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो ये चीज सोचते हैं कि शायद मैं आईएलटीएस एग्जाम कभी क्लियर ही नहीं कर सकता। जो चीज मैं इस चैनल पे बताता हूं, अगर आप उस चीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका बैंड स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता, और राइटिंग में आपके 6.5 से ऊपर आएंगे ही आएंगे बैंड स्कोर, या आप लिख के ले लो अगर आप ऐसे में क्लैरिटी देते हो। तो यही चीज मैं इन बच्चों को बताता हूं, वीडियोस में बताता हूं, जो फॉलो कर लेते हैं अच्छा बैंड स्कोर आ जाता है, जो नहीं फॉलो करते वो फिर नया टीचर ढूंढते हैं, तो ये फिर उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में। तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप भी एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, मगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ सर मेरे को अटेंशन चाहिए, मेरे को मतलब ज्यादा बच्चे ना हो क्लास में, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस एक आपके लिए ऑप्शन है, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें सिर्फ 5 या 7 बच्चे होते हैं क्लास में, आपको पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा। ये नहीं है कि क्लास में 300-300 बच्चा बैठा है, 400-400 बच्चा बैठा है, और मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी क्लास में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो, आप सिर्फ व्हाट्सएप करना, और जो बच्चे इंटरेस्टेड है सिर्फ वो ही कॉल करना मेरे को, अदरवाइज देर इज नो नीड। मेरे को कोई ऐसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है वो जो सिर्फ लाइक आ रहा है सिर्फ देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं है। अगर आप एक अच्छा बैंड स्कोर लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल, और नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए ये जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे आप कमांड करते हो, जो भी चीज की आप रिक्वायरमेंट रखते हो उसी टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।